नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर पूर्व मंत्री राधे श्याम बैठे धरना पर। जनपद के थाना क्षेत्र हरियोली बाजार का मामला 14 वर्षीय छात्रा के साथ चार युवकों ने जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता कक्षा 9 की छात्रा की, जिसका इलाज जिला अस्पताल पर चल रहा है, हालत नाजुक बताई जा रही है। इस दौरान पूर्व कृषि शिक्षा व चिकित्सा राज्य मंत्री सपा राधे श्याम सिंह पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठे हैं। पीड़िता को होश आने पर चार युवकों का नाम बताया, जिसमें प्रेम गुप्ता, इंद्रजीत शैलेंद्र, जनपद के पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार पांडे ने घटना स्थल का जायजा लेने के बाद तीनों आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया। प्रभारी निरीक्षक थाना हिरोली बाजार लगातार दबिश देकर तीनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेजा। पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना स्थल का जायजा लेने पहुंचे गोरखपुर रेंज आई जी मिलाप झा चौधरी। और इस मुद्दे को लेकर के आपको यहाँ पर उपस्थित हुए? उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है जी। आए दिन लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं जी। हाटा विधानसभा में भैंसही गांव में 14 साल के बालिका के साथ गैंग रेप हुआ है जी। ये घटना 3 तारीख की है। 4 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया और अब तक 4 अभियुक्तों में 1 अभियुक्त को गांव के लोगों ने दौड़ा के पकड़ा है। 3 अभियुक्त अभी भी गिरफ्तार नहीं किए गए। घटना स्थल पर अब तक जिले का कोई बड़ा अधिकारी